फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही प्यारा एक नेक का डिज़ाइन बनाने जा रही हूँ, जिसके लिए ये हमने बकरम लिया। तो दो स्टेप में गला बनेगा, तो नीचे चौकोर बनेगा और ऊपर बॉट बनेगा। तो चलिए उसका हम कटिंग करते हैं। तो हम इस तरीके से एक बकरम लिया है जिसका लंबाई है 7 इंच और चौड़ाई है 7 इंच, तो दोनों 7-7 इंच है। अब इसमें हम कटिंग करेंगे, तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो यहाँ से हम एक मार्किंग 4.5 पे इधर से लगा लिए। अब इसको हम सीधा ड्रॉ कर लेंगे। बिल्कुल सीधा होना चाहिए। साढ़े चार पर इधर से, फिर 4.5 पे इधर से, सब तरफ से 4.5 होना चाहिए। इस तरीके से फिर इधर से 4.5, ये देखिए। तो इस तरीके से हमने चौकोर मार्क कर लिया है। अब इसको हम कटिंग करेंगे, तो कटिंग कैसे करेंगे वो देखते हैं। पहले इधर से कट कर लेंगे और इसको हम इस तरीके से डबल करके फिर इसको हम फोल्ड फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। अब इसको हम कटिंग करेंगे और इससे बीच वाला निकाल लेंगे। इस तरीके से अब साइड साइड से बिल्कुल बराबर कर लेंगे। तो ये हमारा बीच वाला कटिंग हो गया फ्रेंड्स, इस तरीके से। अब साइड वाला, अब हम बोट कटिंग करेंगे। तो बोट कटिंग करने के लिए ये कपड़ा ये बकरम लिए हैं जिसका लंबाई है 3 इंच और चौड़ाई है 7 इंच। अब इसी में हम बोट नेक की कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से हमने ले लिया। अब यहाँ से हम 2.5 इंच पर एक मार्क लगाएंगे, फिर इधर से भी हम 2.5 इंच लेंगे यहाँ। अब इस लाइनिंग को हम सीधा ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से 2.5 इंच पे, और इसको हम इधर से 2.5 पे। अब इस लाइनिंग को मिला लेंगे इस तरीके से। अब इसमें हम गोल कटिंग करेंगे, तो उसके लिए हमें गोल शेप देनी है इस तरीके से। अब चलिए इसकी कटिंग करते हैं। ये देखिए, इस तरीके से हमारा बॉट नेक कटिंग हो गया। ये ऊपर जाएगा और ये हमारा नीचे इस टाइप से जाएगा। तो अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, तो पहले हम फैब्रिक पे कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इसको स्टिच करने के लिए ये फैब्रिक हमने ले लिया है और इसको हम इसके ऊपर इस तरीके से रख लिए हैं। ये देखिए बिल्कुल बराबर से। अब इसको इस पर स्टिच कर लेते हैं। इसको स्टिचिंग कैसे करेंगे, तो इस तरह से हम 1/2 इंच लेकर इसको स्टिच कर लेते हैं। ये देखिए, तो सब साइड से इसी तरह स्टिच कर लें। इस तरीके से सब तरफ से स्टिच कर लेते हैं।
फ्रेंड्स देखिए हमने इसको स्टिच कर लिया है, अब हम बोट को स्टिच करेंगे। हम बोट को स्टिच करते हैं तो उसको इस टाइप से हमने रख लिया है, इसको स्टिच कर लेते हैं। तो पहले हम कच्चा सिलाई एक लगा देंगे बीचों बीच, इस तरीके से हमने इस पर चिपका लिया है। अब इसको कट कर लेंगे साइड साइड से सारे कपड़े। अब फ्रेंड्स साइड वाला स्टिच कर लेते हैं, तो उसके लिए पहले हम कट लगा देंगे थोड़ा थोड़ा, ताकि हमें मोड़ने में आसानी हो इस तरीके से। अब इसको हम स्टिच कर लेंगे सिलाई को। तो इस तरीके से हमने साइड साइड की स्टिच कर दी फ्रेंड्स। अब जो एक्स्ट्रा होगा उसको हम कट कर लेंगे। तो ये हमने एक्स्ट्रा वाला कट कर ली। अब चलिए हम मेन फैब्रिक पे चिपकाते हैं। तो फ्रेंड्स इसके बीच सेंटर पे हम कट करेंगे, तो इस तरीके से हमने रख लिया है और इसके सेंटर पे एक कट लगा लेंगे। तो ये हमने कट लगा लिया। अब इसको हम चिपकाएंगे कैसे, तो ये देखिए ये हमारा फैब्रिक है, ये हमारा बैक वाला। अब इस पर हम इस तरीके से बीचों बीच रख लेंगे ये कटिंग और ये, और इसको हम इस तरह से चिपकाएंगे और सिलाई लगाएंगे। तो ये हमने चिपका लिया है। अब इसको हम बिल्कुल बराबर रखते हुए हम स्टिच कर लेते हैं। तो ये स्टिचिंग है कर रहे हैं। बराबर करते हुए तो ये हमारा बोट जो है वो चिपक गया है। अब इसको कटिंग कर लेते हैं छोड़ते हुए हाफ हाफ इंच। अब इसमें कट कट लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने कट कट लगा लिया। अब इसको उलट लेंगे इस तरह से, इसको हम उलट कर एक सिलाई हम ऊपर से लगा लेंगे। तो ये हमने उलट लिया है। अब इसका सिलाई लगाते हैं, तो एक सिलाई हमें ऊपर से लगाना है, तो वो सिलाई लगा रहे हैं इस तरह से करते हुए एक सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए हमने इस तरीके से लगा लिया है फ्रेंड्स ये वाला सिलाई। अब हम अब इसको सेट कैसे करेंगे, तो इस तरीके से हम लेकर यहाँ से ये और ये इस तरह से इसको स्टिच करेंगे। तो चलिए अब इसको स्टिच करते हैं। तो पहले हम एक सिलाई लगा लेंगे बीचों बीच। यहाँ से और यहाँ पकड़ते हुए इस तरह से सिलाई लगाते हैं। धागे को कट कर लेंगे
अब हम साइड वाला सिलाई चलाएंगे इस तरीके से, सब में सिलाई चला लेते हैं। तो वो कैसे चलेगा वो देखिए। तो यहाँ से हम पकड़ेंगे और सब तरफ से स्टिच करेंगे। दूसरी की तरफ सिलाई चला लेते हैं। धागा कट कर लेंगे यहां से, इसको हम बीच में कटिंग करेंगे। तो ये बीच का कटिंग कैसे होगा तो वो देखिए। हाफ हाफ इंच छोड़ते हुए सब साइड से कटिंग कर लेते हैं। इसी तरह हम सब साइड का, दो साइड का कट कर लिए, इसी तरह इधर भी कर लेते हैं। इसके बीच वाला कपड़ा हमने निकाल लिया, अब इसमें छोटे छोटे कट लगा लेते हैं। तो हम साइड साइड का कट लगा लिए हैं फ्रेंड्स। अब हम इसको अंदर की तरफ उलट लेंगे, तो वो हम इस तरीके से उलट लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने उलट लिया। अब इसको स्टिच करेंगे साइड साइड से। तो इस तरीके से हमने इस पर भी एक एक सिलाई लगा लिया है। अब इस पर लेस लगाएंगे, तो लेस कैसे लगेगा अब हम वो दिखाते हैं। तो अब इसके ऊपर लेस लगाएंगे, तो लेस हम इस तरीके से रख लेंगे ये देखिए, और इस पर सिलाई लगाते जाएंगे और हमारा लेस लगते जाएगा इस तरीके से। तो लेस कैसे लग रहा है वो देखिए। तो हम बोट में लगा रहे हैं। ऊपर का जो बोट है उसमें तो फ्रेंड्स एक सिलाई हमने लगा लिया है इस तरीके से। अब एक एक सिलाई हम और लगा लेते हैं इसमें। तो इस तरीके से हमने बोट में लगा लिया है फ्रेंड्स लेस, ये देखिए इस तरीके से। अब हम नीचे वाले इसमें लगाएंगे, तो वो लगाते हैं। अब ये जो डिजाइन बना है हम उसमें लेस लगाएंगे, तो वो देखिए हम यहाँ से स्टार्टिंग कर रहे हैं। इस तरीके से और पूरे में स्टिच करेंगे। तो वो सिलाई अब हम लगाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ से स्टिच करते हैं और एक एक सिलाई लगाते जाते हैं।
तरीके से हम नेक में लेस लगा, जो एक्स्ट्रा होगा वहाँ हम यहाँ पे कट कर लेंगे और इसको हम मोड़ लेंगे इस तरीके से। अब इस तरीके से हम दूसरा सिलाई इस पर लगा लेते हैं। अब इस धागा को हम कट कर लेंगे, देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से। अब यहाँ पे एक हम सो बटन लगाएंगे, तो वो सो बटन लगाते हैं। तो इस तरीके से लैस लग चुका है। अब यहाँ पे हम इस सो बटन को लगाएंगे इस तरीके से, तो हम इसको इसमें स्टिच कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए ये हमारा फाइनल लुक रेडी है बनके, कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ हमने सो बटन भी लगा लिया। इस तरीके से आप भी अपना बॉट नेक में डिजाइनिंग स्टाइलिस्ट बना सकते हैं और लेस लगा सकते हैं। तो इसकी कटिंग और स्टिचिंग कैसी लगी आप हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मैं आ रही हूँ नेक्स्ट वीडियो में कोई और डिजाइन लेकर। जब तक के लिए बाय बाय।